आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0, 2 और बिंदु 3, 6 में से होकर जाता है। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या नहीं दी गई है, तो यहाँ से हम मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r इकाई है, यह हम मान लेते हैं। यहाँ से दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं केंद्र से वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है, तो इस प्रकार इसलिए यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य दूरी PQ बराबर क्या होता है, करणी में x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग होता है। तो यहाँ से इसी प्रकार B और C बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हैं, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर करणी में, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम B के लिए इसे x1 y1 तथा C के लिए इसे x2 y2 हम मान लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, एच टू की जगह 0 हो गया, ऋण 3, एक्स वन की जगह हो गया पूरे का वर्ग, धन वाई टू की जगह 2 हो गया, ऋण एक्स वाई वन की जगह 6 हो गया पूरे का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा, करणी में ऋण 3 का वर्ग 9 धन 2 ऋण 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऋण चार का वर्ग। इसे हम क्या लिख सकेंगे, इसे हम लिखेंगे 9 धन ऋण 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो r बराबर 16 और 9 कितना हो गया, 25, तो करणी 25 आ गया। करणी 25 करने पर मान कितना आता है, धन ऋण 5, परंतु चूंकि यह त्रिज्या है अर्थात लंबाई है तो मान सिर्फ धनात्मक मिलेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं r बराबर हमें 5 इकाई ज्ञात हो गया। यहाँ से दोस्तों हम देखें यदि तो केंद्र हमें ज्ञात है, त्रिज्या यहाँ से हमने ज्ञात कर ली, तब हम जानते हैं यदि केंद्र हमारा सी एच के तथा त्रिज्या हमारा आर हो, ये दोनों हमें ज्ञात हो, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, एक्स ऋण एच पूरे का वर्ग धन वाई ऋण के पूरे का वर्ग बराबर आर का वर्ग होता है। तो यहाँ से दोस्तों एच की जगह 0 व के की जगह 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऋण एच की जगह यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे जो एक्स का नियामक है, तो आ जाएगा 0 का वर्ग धन वाई ऋण के की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग बराबर, यहाँ त्रिज्या हमारे पास 5 इकाई है, 5 का वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार हम लिखेंगे एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ऋण 2 गुणित वाई गुणित 2, तो 2 × 4 वाई आ जाएगा बराबर 5 का वर्ग आ जाएगा 25। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण 4 वाई तथा 4 यहाँ पे हमारे पास है, 25 यहाँ पे है, 25 को पक्षांतर कर देंगे, ऋण 25 आ जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 21 बचेगा बराबर 0। तो यह हमारे पास समीकरण आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।